हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल फिजिक्स एकेडमी। मैं हूं अनिल कुमार सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लेन एंगल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, प्लेन एंगल के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाया है, जो यूनिट और डायमेंशन का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देख सकते हैं। एक वीडियो है जो जिसका नाम है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वान्टिटीज़, उसमें मैंने प्लेन एंगल के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। तो प्लेन एंगल है क्या? देखो, देर आर सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और अपार्ट फ्रॉम दिस सेवन फिजिकल क्वांटिटीज देर आर टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज विच आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो आज थोड़ा प्लेन एंगल के बारे में और एक दो चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखो प्लेन एंगल होता क्या है। देखो, ऐसा एंगल जिसे हम प्लेन में बना सकें उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। इसे जान लो, ये जो एंगल हुआ, देखो बोर्ड एक प्लेन है, इसमें मैंने एक एंगल बनाया, ये क्या है? प्लेन एंगल थीटा। इसका वर्टेक्स मान लो ओ है, तो इसके एक वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से दो रे निकलते हैं, ओ ए और ओ बी, और दोनों रे से जो एंगल बना मिलकर के उसी को कहते हैं हम लोग प्लेन एंगल। ठीक है, और देखो जनरली जो हम लोग जूनियर क्लासेस में जो प्लेन एंगल को मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, तो रेडियन होता है इसका ऐसा यूनिट, और जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल आर, स्मॉल ए, स्मॉल डी से। ठीक है, तो एक मान लो ये प्लेन एंगल दिया हुआ है, तो इसको रेडियन में हम लोग कैसे मेजर करेंगे? मतलब इस प्लेन एंगल का मेजरमेंट कितना होगा रेडियन में, ये कैसे पता करेंगे हम लोग? तो देखो, इसके लिए क्या करेंगे, इसके वर्टेक्स से हम लोग क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे एक सर्किल हैविंग रेडियस आर। ठीक है, तो देखो, तो ये सर्किल का एक कुछ आर्क काटा जाएगा इस एंगल के द्वारा, इसको एस मान लेते हैं, उसका एस मतलब उस आर्क का लेंथ एस है, तो थीटा बराबर क्या होगा? एस बाई आर रेडियन। ठीक है, तो इसको देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ तुम लोग को। देखो, ये जो मान लो ये एंगल कितना है, हम लोग सभी जानते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें पता करना है कि इसका मान रेडियन में कितना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, एक आर रेडियस मान, आर रेडियस से एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, और इसका जो आर्क जो इस एंगल के द्वारा काटा जाएगा, नहीं एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, एक सर्किल पूरा मान लो ड्रॉ किए, तो ये जो आर्क जो काटा गया इस एंगल के द्वारा वो क्या होगा? एस, एस क्या है? एक सेमी सर्किल है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा? एस बाई आर रेडियन। तो एस बराबर क्या होगा? सेमी सर्किल, पूरा सर्किल का सर्कुम्फेरेंस होता है 2πr, तो सेमी सर्किल का होगा πr डिवाइडेड बाई आर रेडियन इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, यानी 180 डिग्री बराबर क्या हुआ? पाई रेडियन। ठीक है ना, देखो अब, देखो अब हम लोग जानेंगे कि 1 रेडियन एंगल कितना होता है, मतलब 1 एंगल रेडियो कैसे पता करेंगे हम लोग। देखो, इसे मान लो 1 रेडियन हमको ड्रॉ करना है, 1 रेडियन एंगल, जिसका ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट हो 1 रेडियन, कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, मान लो सपोज दैट ये एंगल है, और मान लो सपोज दैट यहां से एक सर्किल आर रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया गया, ये जो आर्क है, ये एंगल थीटा मान लो सपोज दैट, ये 1 रेडियन कब होगा? ये एंगल मान लो आर्क है, वो भी आर है, जो आर का लेंथ है एस, जो है आर का लेंथ वो भी आर है, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एस बाई आर रेडियन बराबर आर बाई आर रेडियन बराबर कितना होगा? 1 रेडियन। ठीक है, यानी अगर ये आर्क का भी लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा? 1 रेडियन एंगल बनेगा। तो 1 रेडियन एंगल को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो होगा 1 रेडियन। ठीक है, चलो
अब हम लोग ये पता करेंगे कि वन डिग्री एंगल में कितना रेडियन होता है। तो ध्यान दो, अभी मैंने बताया कि 180 डिग्री एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाय 180 रेडियन। देखो इसमें पाई का वैल्यू जो होता है 3.14 या फिर 22/7 होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका, उसको पुट करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा तुम्हारा वो आएगा 1.745 × 10⁻²² रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, 1.745 × 10⁻²² रेडियन। देखो तो ध्यान दो, जो 1 डिग्री एंगल होता है, 1 डिग्री एंगल को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें उसको, मतलब उसको अगर 1 डिग्री कोई एंगल है और उसको हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका वन पार्ट जो होगा, हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ मिनट। ठीक है, नहीं मतलब उसको कह सकते हैं आर्क ऑफ या फिर मिनट ऑफ आर्क। ठीक है, तो देखो यानी मतलब कि वन मिनट इज इक्वल टू, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 60 मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट ऑफ आर्क, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, आर्क एम आई एन लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट ऑफ आर्क, इसको सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको 60 मिनट, मतलब 60 मिनट ऑफ आर्क को क्या सीधे लिख सकते हैं सिंबल में, 60 मिनट। ठीक है, तो अब हम पता करें कि तो 1 मिनट में पता करें कि 1 मिनट में कितना रेडियन होता है। तो अभी ध्यान दो, तो अभी मैंने हम लोगों को पता किया कि 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 1.745 × 10⁻²² रेडियन। तो तुम्हारा 60 मिनट बराबर कितना, 1 डिग्री और बराबर कितना, 1 डिग्री में कितना रेडियन, 1.745 × 10⁻²² रेडियन। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना रेडियन, तो 1 मिनट बराबर होगा 1.745 × 10⁻²/60 रेडियन। ठीक हो, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन, 1 मिनट इक्वल टू। ठीक है, तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो 1 पार्ट को क्या बोलेंगे, मिनट, और 1 मिनट में कितना रेडियन हुआ, 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि एक मिनट का जो एंगल है उसको भी इक्वल 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इक्वल, तो हर एक पार्ट उसका क्या कहा जाएगा, एक पार्ट उसमें जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे सेकेंड, मतलब आर्क ऑफ, जिसे इसको मिनट ऑफ आर्क कहे थे उसको सेकेंड ऑफ आर्क करेंगे या फिर आर्क सेकेंड। ठीक है, तो चलो इसको लिखता हूं मैं, मतलब 1 सेकेंड इज इक्वल टू, नहीं नहीं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड ऑफ आर्क। और आर्क सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब हम ये पता करेंगे कि 1 आर्क ऑफ सेकेंड में या फिर 1 सेकेंड आर्क में, इसको सिंबल से डिनोट ऐसे करेंगे, इक्वल टू 60 सेकेंड, मतलब डबल डैश दे देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब 1 मिनट इक्वल टू 60 आर्क ऑफ सेकेंड। अब हम पता करें कि 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में कितना रेडियन होगा। ठीक है, तो ध्यान दो,
तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा, वन सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट बाय 60 बाय 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सुनो, अब इसका रेडियन में वैल्यू कितना होगा, तो 1 मिनट ऑफ आर्क बराबर होता है 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन, और बाय 60, इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो मेरा आएगा 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन, ठीक है। यानी 1 सेकेंड ऑफ आर्क इक्वल टू 1 सेकेंड ऑफ आर्क इक्वल टू 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 1 डिग्री को, 1 मिनट को और 1 सेकेंड को, एंगल का जो होता है, मतलब कि डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट को बोलेंगे 1 मिनट, और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट को क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड, या फिर सेकेंड ऑफ आर्क, 1 सेकेंड बोले चाहे सेकेंड ऑफ आर्क बोले, एक ही चीज़ है। तो ये सब में, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन का होता है वो भी मैंने पता किया, 1 मिनट में कितना रेडियन होता है वो भी पता किया, 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है वो भी मैंने पता किया। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम्पलर बुक का, एग्जाम्पलर बुक क्लास 11th का, उसमें मैं कौन सा क्वेश्चन लिख देता हूँ, पेज नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 2.32, ठीक है। चलो ये हम लोग बताते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 31 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल पाई बाय 6 एट द सेंटर। देखो एक सर्किल है, ठीक है, उसका एक आर्क है, ये मान लो सेंटर वो है इसका, वो ये आर्क सेंटर पे, मान लो यही आर्क का लेंथ एस है, ये कितना एंगल बना रहा है, पाई बाय 6, ठीक है, पाई बाय 6। इसका जो रेडियस है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 लिख देता हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ये जो रेडियस है वो है तुम्हारा आर बराबर है 31 सेंटीमीटर, तो हमें एस पता करना है, जो एस बराबर व्हाट, मतलब कि आर्क का लेंथ हमें पता करना है। तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जो अभी मैंने बताया था, प्लेन एंगल को किसी जब एंगल कोई दिया रहे तो उसका रेडियन में वैल्यू कितना होता है कैसे पता करते हैं, सिंपल है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एस बाई आर, तो एस बराबर क्या होगा, तो एस बराबर होगा थीटा आर, तो थीटा कितना है यहां पे, पाई बाई 6 इंटू आर। चलो पाई का वैल्यू होता है 3.14 लगभग, इतना सेंटीमीटर, हाँ, बाई 6 इंटू आर कितना है 31, इतना सेंटीमीटर। देखो तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, तो मेरा रिजल्ट आएगा 97.34 बाय 6 सेंटीमीटर, हाँ, और इसको डिवाइड करेंगे 96.34 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 16.22 सेंटीमीटर। यानी जो ये आर्क आया, अगर आर्क यहाँ पाई बाय 6 डिग्री एंगल बना रहा है और रेडियस है सर्किल का 3/31 सेंटीमीटर, तो आर का बराबर लेंथ क्या होगा, एस बराबर 16.22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो, तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, बस लास्ट में यह रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।